और अब हम बुलाना चाहेंगे शबनम हाशमी जी को। ये जो एग्जीबिशन आप पूरा देख रहे हैं, शबनम जी ने ख़ास तौर से इस रैली के लिए तैयार किया है, तो आप जब ख़त्म होगा तो उसको भी देख कर जाइएगा। शबनम हाशमी जी, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है। यहाँ जो साथी मीडिया के पीछे खड़े हैं, आप थोड़ा बैठें, बार बार मंच में आवाज़ आ रही है कि पीछे लोगों को दिख नहीं रहा है, वो नीचे बैठे हैं। मीडिया के पीछे जो लोग खड़े हो गए एक लाइन, और दूसरा अगर किसी ने मोटरसाइकिल रोड पे पार की है तो बिहार सरकार उसको उठा रही है। दोस्तों, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज उस मैदान में खड़ी हूँ जहाँ पे महात्मा गांधी ने सैकड़ों भाषण दिए, और यहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी और दूसरी तरफ जो दंगे भड़के हुए थे बिहार में उसके लिए लगातार कम्युनल हारमोनी की अपील की। ये कहा जाता है कि जो गांधी मैदान से आंदोलन शुरू होते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं, और ये दिखाई दे रहा है जितने हज़ारों की तादाद में आज लोग जमा हैं पूरे बिहार से, कि ये जो शकील और कन्हैया लेके पूरे बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में जनगण मन यात्रा लेके चले थे उसकी कामयाबी आज यहाँ से दिखाई दे रही है। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, ये जज्बातों से नहीं लड़ी जा सकती। आजकल के ख़ास तौर से जो नौजवान नेता हैं, जिनको मैं कई बार मजाक में मैगी नूडल भी कहती हूँ, क्योंकि हर चीज़ 2 मिनट में चाहते हैं, ये लड़ाई इतनी लंबी है कि अगले 4.5 साल तो ज़रूर लड़ी जानी है। और ये लड़ाई हम सिर्फ NRC NPR CAA के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के नहीं जीत सकते। हमें आवाज़ें तब भी उठानी होंगी जब किसान आत्महत्या कर रहे होंगे और अपने फसल के दाम मांग रहे होंगे। हमको आवाज़ें उन मजदूरों के लिए भी उठानी होंगी जो न्यूनतम वेतन के लिए और जिस तरह सरकार लेबर कानून बदल रही है उसके खिलाफ आवाज़ें उठाने होंगे। हमें बुद्धिजीवियों के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, हमको JNU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IIT मद्रास के स्टूडेंट्स के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये फांसीवादी ताकतें हैं जो केंद्र में बैठी हैं और उनका चौतरफा हमला है, हमारे संविधान पे हमला है, हमारे सोचने पे समझने पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, सेकुलरिज्म पे हमला है। हम ये सोचें अगर कि हमने एक रैली कर ली और यहाँ पे कई लाख लोग जमा हो गए और हम इससे ये लड़ाई जीत लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये रैलियाँ, ये लड़ाइयाँ अपने घरों में, बस्तियों में, मोहल्लों में लगातार इस पे बातचीत होना और प्रतिरोध की आवाज़ें बुलंद होते रहना, ये लगातार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिन ताकतों के सामने लड़ रहे हैं वो फांसीवादी ताकतें हैं, वो आराम से गद्दी को छोड़ने वाली नहीं। उन्होंने 1925 में सपना देखा था कि एक लोकतांत्रिक और विविध देश को वो एक हिंदू राष्ट्र बना दे। पहली बार वो इतना करीब आए हैं अपने सपने के, उनको पहली बार लग रहा है कि हम इस संविधान को अब ख़त्म कर सकते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया, इसलिए वो भी जी जान की बाजी लगा देंगे। ये मत सोचिए कि वो घरों में बैठ जाएंगे, वो जी जान की बाजी लगाएंगे हमारा संविधान ख़त्म करने को, हमारा लोकतंत्र, हमारा सेकुलरिज्म ख़त्म करने को। इसीलिए बाजियां हमें भी जी जान की लगानी पड़ेगी, और ये बाजियां हमको लगानी पड़ेंगी सबको इकट्ठे। सिर्फ किसी एक कम्युनिटी की आवाज़ उठे, सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के इलाकों में प्रतिरोध हो, उससे ये जंग नहीं जीती जानी। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इसको बहुत गहराई से सोचने समझने की ज़रूरत है। जो RSS का एजेंडा है, जो RSS का सोच है, उसके लिए पहले उसको समझना, अपने दिलों दिमाग में जो नफ़रतें हैं उनसे लड़ना, और जो लोग हमारे साथ नहीं हैं उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ अपने अपने लोगों में बात करके भी ये लड़ाई नहीं जीत सकते। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे और वक्ता हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कल रात में जब हम लोग ये एग्जीबिशन लगा रहे थे तो यहाँ पे एक महायुद्ध चल रहा था, वो वाले स्टेज पे कार्यक्रम होना था। नीतीश जी के बहुत सारे जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो भी हैं, उन्होंने आके कहा कि इस
इस वाले स्टेज पे आपका कार्यक्रम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक बार उस स्टेज पे बैठ जाएंगे तो उस पे फिर नीतीश जी कैसे चढ़ेंगे? ये कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई, जो जनता जिस स्टेज पे बैठे उसमें वो कदम नहीं रख सकते। और वो हमको ये बता रहे हैं कि असेंबली में कि हम 2010 वाला एनपीआर लेके आ जाएंगे। नोटिफिकेशन तो 2019 के एनपीआर का है, तो आप ये 2000 वाला 10 एनपीआर कहाँ से लेके आ रहे हैं? नोटिफिकेशन क्या कैंसिल हो गया? ये समझने की जरूरत है। जिस तरह से 8 बार हमला हुआ आपकी यात्रा पे, सारा जो प्रशासन है वो हिल गया था। इसलिए ये जल्दी से आनन फानन में असेंबली में ये इसको एनपीआर के नाम पे बुलाया गया कि हम एनपीआर 2010 का ले आएंगे। ये लोग बहुत चालाक हैं, बहुत मक्कार हैं, और ये बेवकूफ़ बनाना जानते हैं, चाहे उसमें यहाँ की सरकार हो या अमित शाह, मोदी और अजीत डोवल हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़ाइयाँ हमको इनके बहकावे में नहीं आते हुए लड़ाइयों को आगे ले जाना है, और वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक हम पहले उनको बिहार में हराएं, एनआरसी एनपीआर को वापस करवाएं, सीए को वापस करवाएं, उसके बाद जैसे सदफ ने कहा यूपी में हराएं, गुजरात में हराएं, और 2024 के इलेक्शन में इनको गद्दी से उठा के केंद्र से फेंकना ज़रूरी है, तभी हम यहाँ पर लोकतंत्र और अपनी जो सेकुलरिज्म है उसको हम कायम रख सकेंगे। तभी जिन आवाज़ों पे लगातार हमले हो रहे हैं पिछले 6 साल से, हम जो सारे यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर देशद्रोही का तमगा लगाया गया है, तो ये जो बोलने वालों को देशद्रोही कहने वाली सरकार है उसको उठा के फेंकना बहुत ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि ये लड़ाई जारी रखिए। यहाँ पे आके बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत उम्मीद मिलती है कि हम अभी जंग हारे नहीं हैं, जंग अभी जारी है, और इस जंग में आप और हम इस मुल्क को बचा के रहेंगे, संविधान को बचा के रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद। अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे। शुक्रिया।